तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ऑक्टोपैड मेनिया। दोस्तों अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में पैच बजा के दिखाया था, हुड का पैच, तो उसकी हैंड रनिंग वगैरह आपने उस पैच के अंदर देख ली थी। अभी भी आपने अगर नहीं देखी तो देखिए, पैच वो इस तरीके से प्ले होता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये पैच प्ले होता है। इसकी फुल हैंड रनिंग, एक एक इंस्ट्रूमेंट की डिटेल 20 प्रो में मैंने लास्ट वीडियो में दी है। आप एक बार पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए, तभी आप इसको पूरी तरीके से एडिट कर पाएंगे, क्योंकि उसमें से बजाने का तरीका, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है मैंने उसमें भी बताए हैं। और अगर आपके पास एम स्टूडियो है तो आप ये वाली एडिटिंग देख सकते हैं, और अगर आप पे कोई और सा इंस्ट्रूमेंट है तो लास्ट वीडियो में जाके आप पूरी तरीके से पैच को देख सकते हैं क्या क्या मैंने लगाया है। तो आइए फटाफट से इसकी एडिटिंग देख लेते हैं। और दोस्तों मैंने अभी तक ना इसमें कोई भी डिले वगैरह यूज़ नहीं किया इस पैच में, तो ये सिंपल पैच है तो इसलिए डिले का कुछ नहीं है। तो बड़े ध्यान से आपको देखना है तभी आप बना पाएंगे। देखो यहाँ फर्स्ट कॉलम के अंदर खोल 3 1292 1292 नंबर इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, और सेकंड में भी 1292 1292 लगाएंगे। दोनों का लेवल 63 कर देंगे 63, और फर्स्ट वाले का जो क्रश ट्यून यानी पिच है वो -4, और यहाँ पे सेकंड वाले का +5। दो चीज़ें आपको रख देनी है, ठीक है। बाकी सेकंड और थर्ड लेयर दोनों के ऑफ हैं। तो आइए यहाँ थर्ड लेयर में चलते हैं दोस्तों। थर्ड पैड के अंदर हिप हॉप टॉम 1 के नाम से इंस्ट्रूमेंट है, 04650465 नंबर, ठीक है। 63 इसकी वॉल्यूम है, और -6 मैंने इसका क्रॉस ट्यून यानी पिच किया हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये लगाया हुआ है, आप इसको लगा लीजिए। सेकेंड और थर्ड लेयर दोस्तों इसकी ऑफ है। आइए यहाँ चलते हैं हम लोग फोर्थ कॉलम में। फोर्थ कॉलम के दोस्तों फर्स्ट लेयर में मैंने लगाया है 0001 साउंड स्टैंड किक 1 के नाम से इंस्ट्रूमेंट है, 63 इसका वॉल्यूम है, और क्रॉस ट्यून वगैरह दोस्तों मैंने 0 रखा है, ठीक है। सेकंड लेयर में चलते हैं। सेकंड लेयर में दोस्तों क्रिस्टल क्रश लगी हुई है 0662 यानी 0662 नंबर, 0662, ठीक है। और यहाँ 63 इसका वॉल्यूम किया है मैंने, बाकी कुछ नहीं छेड़ा है। तो ट्रिक वॉल्यूम इतना कर लीजिए, बाकी सब एज इट इज़ सेटिंग रहेगी जैसे रहती है। और यहाँ पे थर्ड लेयर दोस्तों मैंने ऑफ़ किया है। आइए यहाँ देख लेते हैं फिफ्थ कॉलम में। फिफ्थ कॉलम में दोस्तों ढोलक शार्प चाटी 2 के नाम से इंस्ट्रूमेंट है, जिसका लेवल है जिसका इंस्ट्रूमेंट नंबर है 1207 यानी 1207 नंबर, और यहाँ पे 63 इसका वॉल्यूम है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉस ट्यून वगैरह 0 किया है मैंने, बाकी कुछ नहीं छेड़ा। यहाँ पे आप एक्सक्लूसिव को लास्ट में ग्रुप 1 में डाल दीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं छेड़ना। सेकेंड लेयर में चलते हैं। सेकेंड लेयर में दोस्तों इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है हमारा सेकर 0951, और इंस्ट्रूमेंट का वॉल्यूम है दोस्तों 45, और क्रॉस ट्यून है 0, ठीक है। बाकी हमने कुछ नहीं छेड़ना, आप एज इट इज़ रहने दीजिए बाकी, ठीक है। और थर्ड लेयर में हमने ऑफ़ किया है तो आप भी ऑफ़ कर दीजिए। यहाँ चलते हैं सिक्स पैड के अंदर। सिक्स पैड में दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सा बायां CL के नाम से इंस्ट्रूमेंट लगाया है, बायां CL, और जिसका जो है वॉल्यूम है वो 63 है, और यहाँ पे +4 जो है वो क्रॉस ट्यून है। दोस्तों यहाँ पे मैंने और कुछ नहीं छेड़ा, आप भी मत छेड़िए, सिंपल रहने दीजिए। आइए यहाँ सेकंड लेयर में चलते हैं दोस्तों। सेकंड लेयर में ओपन हाई 86 लगी हुई है 0904 यानी 904 नंबर, 34 यानी 34 इसका वॉल्यूम है, और +3 इसका मैंने
पिच यानी क्रश ट्यून किया है, बाकी कुछ नहीं छेड़ा, एज इट इज़ है, ठीक है, जैसा ये आता है वैसा ही मैंने रखा है, तो इसलिए आप भी इसको बाकी को मत छेड़िए। तो यहाँ चलते हैं सेवेंथ कॉलम के फर्स्ट लेयर में। यहाँ दोस्तों आपको फर्स्ट लेयर में इंस्ट्रूमेंट रखना है क्लासिक HH6 के नाम से, क्लासिक HH6S, और जिसका इंस्ट्रूमेंट नंबर है 07910791, और इसका जो ट्रिग वॉल्यूम है वो 45 है, और क्रॉस ट्यून वगैरह दोस्तों मैंने 0 रखा है, बिल्कुल सेम सेटिंग रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका एक्सक्लूसिव आप सबसे लास्ट में जाएंगे, उसको प्लस करके ग्रुप 1 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ सेकंड लेयर में चलते हैं, सेकंड लेयर में देखते हैं दोस्तों मैंने क्या डाला है। सेकंड लेयर में ओपन हाई 86, और इसका इंस्ट्रूमेंट नंबर है 45, और प्लस 3 इसका जो है वो क्रश ट्यून है। और यहाँ पे दोस्तों बाकी मैंने यहाँ बस कुछ नहीं छेड़ा, नॉर्मल रखी है सारी सेटिंग, तो आप इसको ऐसे ही कर दीजिए। थर्ड लेयर में देख लेते हैं, थर्ड लेयर दोस्तों सेवन्थ कॉलम में ऑफ है, और यहाँ चलते हैं दोस्तों हम लास्ट कॉलम में, एट कॉलम में। तो यहाँ फर्स्ट वाले में तो मैंने लगाई हुई है फर्स्ट लेयर में किक 90095 इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ पे 63 यानी 63 इसका वॉल्यूम है, और यहाँ जो है मैंने बाकी कुछ नहीं छेड़ा, तो इसको भी आप मत छेड़िए। लास्ट में एक्सक्लूसिव को दोस्तों आप ग्रुप 1 कर दीजिए। अब चलते हैं हम यहाँ सेकंड लेयर में, सेकंड लेयर में दोस्तों देख लेते हैं यहाँ क्या डाला है। क्लासिक HHPD के नाम से इंस्ट्रूमेंट है, 0792, और 63 इसका वॉल्यूम है, और यहाँ पे क्रॉस ट्यून वगैरह इसका 0 है, और यहाँ जो एक्सक्लूसिव है ना वो ग्रुप 1 मैंने किया हुआ है, ग्रुप 1 आप कर लीजिए, ठीक है। बाकी यहाँ चलते हैं थर्ड लेयर में, थर्ड लेयर में दोस्तों इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है शेकर यानी कि 09510951 नंबर पे, और 4545 इसका वॉल्यूम है, और यहाँ क्रॉस ट्यून वगैरह 0 रखी है, बाकी आपको कुछ नहीं छेड़ना, एज इट इज़ रखना है। दोस्तों यहाँ श्योर बटन को दबाकर डबल दबा दीजिए, इस पैच को आप सेव कर सकते हैं, सेव कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों ये पैच आपका बनके तैयार हो गया है। हैंड रनिंग, इंस्ट्रूमेंट डिटेल, अदर डिटेल्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिए, तो जो इससे पहली वीडियो है उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।